नाम अंगद प्रजापति है। मैं इस काम से बचपन से जुड़ा हूँ। वैसे मैं बहुत पीछे, यानी मेरे दादा जी भी काम करते थे, हमारा पुश्तैनी कार्य है। अच्छा। तो इस काम को हम करने के लिए तालाब से मिट्टियाँ लेकर के आते हैं। अच्छा। उसको अच्छी तरह तैयार करके फिर उसके बाद उस मिट्टी को आकार देते हैं, चाहे एनिमल हो, फ्लावर हो या बर्ड हो। अच्छा। आप उस क्ले से कोई भी शेप, कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। अच्छा। जैसे एक ये लालटेन हो गया। हाँ। इसको पहले हम लोग पॉटर व्हील चाक मशीन पे बनाते हैं, बनाने के बाद ट्राई करने के लिए रख देते हैं। यही वाली पॉटर व्हील है? ये वाली पॉटर व्हील है। अच्छा। इस पे हम लोग इसको तैयार करते हैं। ठीक है। तैयार करने के बाद इसको ड्राई के लिए थोड़ा धूप में रख देते हैं थोड़ी देर। फिर उसके बाद टूल से कटिंग करके डिजाइन देते हैं इसको। अच्छा। फिर उसके बाद भट्टी में फायरिंग करने के बाद इसको हम लोग कलर करते हैं। कलर हम लोग एक्रेलिक कलर यूज करते हैं। अच्छा। कलर से इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। हाँ। और इसकी मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी है, ताकि लोगों को भी गिफ्ट करने या अपने पर्पस अपने यूज करने के लिए लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। इसमें इसकी खासियत ये होती है, इसमें हवा प्रवेश नहीं करता है, इसमें इसके अंदर दीपक बुझता नहीं है। अच्छा। और इसकी रोशनी जो होती है ना, सारे कटिंग की तरफ से निकल करके आती है। और जैसे ये हो गया डेकोरेशन पर्पस के लिए, डेकोरेशन गिफ्ट आइटम है। अच्छा। पहले इसको बनाने के बाद फिर हम लोग इसको पेंटिंग डेकोरेट करते हैं, ताकि इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। अच्छा। और डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले में बहुत अच्छा लगता है और गिफ्ट में भी बहुत ज़्यादा रहता है, जाता रहता है हमारा आइटम। अब इसको हम लोग डेवलप करने के लिए थोड़ा सा इधर वुडन स्टैंड में आ गए हैं। हाँ। जैसे आप देखेंगे इसको कि हम लोग अलग अलग डिफरेंट शेप में बना करके इसको एक प्लेटफार्म के ऊपर हमने सेट कर रखा है। हाँ। जिसके इसकी लुक बहुत अच्छी लगती है। आप इसको वॉल में भी हैंग करते हैं, कर सकते हैं। जैसे इसका हैंगिंग का सिस्टम इधर है पीछे, और नेल्स के ऊपर ही हैंग हो जाता है वॉल में। और हैंग होने के बाद इसकी लुक बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, बहुत बढ़िया।